बीसीसीएल एरिया 3 GDS आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर JMM भाजपा समर्थक हुए आमने सामने। चल रही जुबानी जंग। नियोजन की मांग को लेकर JMM 7 जून को बंदी का किया घोषणा। भाजपा विधायक सब कंपनी कमेटी सदस्यों ने बंदी का किया विरोध। निजी स्वार्थ में युवाओं को बरगलाने का आरोप। दोनों पक्ष के टकराव में बढ़ी खूनी संघर्ष की आशंका। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र के आकाश किनारे से संचालित बीसीसीएल एरिया 3 आउटसोर्सिंग GDS कंपनी को JMM ने 7 जून को बंद करने की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी ओर कमेटी सदस्य सबागमारा भाजपा विधायक समर्थकों ने बंदी का विरोध किया है। प्रखंड अध्यक्ष अजमल अंसारी ने स्थानीय लोगों को नियोजन की मांग को लेकर 7 जून को बंदी की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से 7 जून को GDS आउटसोर्सिंग में धरना देने की बात बताई। वहीं कंपनी में बिचौलियों और रंगदारों को श्रेय देने का आरोप प्रबंधन पर लगाया। वहीं दूसरी ओर GDS कंपनी के कमेटी के लोगों ने भी प्रेस वार्ता कर बंदी को गलत बताया। निजी स्वार्थ में युवाओं को बरगलाने का आरोप JMM प्रखंड अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं पर लगाया। दोनों पक्ष के टकराव को देखते हुए खूनी संघर्ष गोलीबारी होने की आशंका जताई जा रही है। JMM प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि GDS आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर धरना पूर्व में दिए गए थे, लेकिन वार्ता के बाद कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। कंपनी में बिचौलियों रंगदारों को पाला जा रहा है, जो गोली बम बंदूक का भय दिखाना चाहते हैं, जिनसे JMM डरने वाली नहीं। अगर कंपनी JMM सत्ता पार्टी को महत्व नहीं देगी तो कंपनी को यहां चलने नहीं देंगे। वहीं GDS कंपनी कमेटी सब भाजपा विधायक ढुलु महतो के समर्थकों ने कहा कि JMM प्रखंड अध्यक्ष केवल युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ में कंपनी को बंद करने का साजिश रच रहे हैं। विधायक से खुद को बड़ा बता कंपनी में दबाव डालकर मोटी रकम को फिक्स करवाना चाहते हैं। मैं इसी के माध्यम से आप लोग को बतला देना चाहता हूं कि हम लोग 9 तारीख को हम लोगों ने कंपनी को और आउटसोर्सिंग कंपनी को हम लोग सूचना देने का काम किया था और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देने का काम किया था। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के संबंध में, यहाँ के पानी बिजली के संबंध में, यहाँ पर जो कंपनी के अगल बगल जो बसे हुए उसको पुनर्वास करने के संबंध में, और उसके बाद जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देने के बाद हम लोग से कंपनी एक बार भी वार्ता करने के लिए आगे नहीं आया। हम लोग पुनः 21 तारीख के लिए हम लोग फिर से चिट्ठी दिए आंदोलन का, एक धरना प्रदर्शन का, और उस धरना में अनिश्चितकालीन धरना का हम लोग चिट्ठी दिए थे, जिसमें जो है एरिया 3 के GM के जरिए से 20 तारीख को चिट्ठी निकाला जाता है वार्ता का, और उस वार्ता में हम लोग पहुंचते हैं, सम्मान करते हैं उस चिट्ठी का। हमारे तमाम जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वरिष्ठ नेता थे सभी लोग हम लोग पहुंचे हैं एरिया GM के ऑफिस में, और हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि 10 दिन के अंदर में आप लोग जो लिखित तौर पर जो शिकायत है उस शिकायत जो है हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। मगर GM साहब का जो है स्पष्ट तरीका से कहना यह था कि आपका जितना भी समस्या था हम लोग कंपनी GDS देखो कंपनी के समक्ष रखने का काम किया। यहाँ ये कंपनी है वो एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप मेरे तरफ से इजाजत है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, स्वच्छता से आप धरना प्रदर्शन चक्का जाम जो होता है अपना मांग को अपना कंपनी के समक्ष रखिए, आंदोलन कीजिए। आंदोलन को टाल दिया, 10 दिन समय ले लिया, फिर 10 दिन के बाद बोलता है कि हमको जो है हमको मेरा बात का भेरू नहीं लगा रहा। तो कह लो GM आप एरिया का GM है, आपका बात नहीं सुनेगा कोई आउटसोर्सिंग कंपनी, तो ये आश्चर्य की बात है। आप और कंपनी मिल करके, BCCL और आउटसोर्सिंग मिल करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के स्थानीय को, यहाँ के रैयतों को बुड़बक बनाने का काम कर रहा है। जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी ये देखो कंपनी के बिचौलिया लोग हैं जो रंगदार बैठे हुए हैं, ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, रघुवर दास का सरकार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी हैं,
गरीब मजदूर असहाय बेरोजगार का सरकार ये चल रही है। ईंट से ईंट बजा देंगे आप लोग का, सब गुंडाई आप लोग को जेल में डालने का काम करेंगे, वहीं पर निकालेंगे आप लोग गुंडाई। कितना गुंडा है वो देखने का हम लोग कल काम करेंगे, कितना गोली बारूद आप लोग का है वही देखने का काम करेंगे। हम लोग तीर धनुष वाला आदमी है भाई, हम लोग पास गोली और बंदूक नहीं है, हम लोग तीर धनुष वाला आदमी है। और यही तीर धनुष के जरिए से हम लोग पूरे झारखंड को अलग किए, अलग राज्य लिए, और ये लोग हम लोग को गोली और बंदूक दिखा रहे हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे। और इस कंपनी को भी चेता देना चाहता हूँ, आप सत्ता दल के पार्टियों को भीलू नहीं दे रहे हैं, आपको वापस जाना होगा बघमारा से, आपको वापस भेजने का हम लोग यहाँ से काम करेंगे। अब वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ है, मतलब कि छिटकुट टाइप के लोग जो मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, उनको अपना कुछ भी 10-20-50 हज़ार का इंतजाम करवाना है। आप लोग किस प्रकार इसको देखते हैं? हम लोग इसको अपने स्वार्थ, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अगर नौकरी देने का बात है तो आज केजरीवाल बंद होने के कागार पर उसको जाइए, जो उसका समस्या है उसको हल करके चालू कराइए। अभी भी ओरिएंटल जो ब्लॉक फोर में है उसका 2 साल का टेंडर है, क्यों नहीं उसको चालू करा रहे हैं? 300 आदमी बेरोजगार हो गया वहाँ पर, जो भी उसका मुद्दा था उसको सॉल्व कराना चाहिए था। हम यहाँ कमेटी के लोग हैं, ठीक है, हम लोग को आप जो भी आरोप लगाएं, हम लोग यहाँ हैं अपने हिसाब से, हम लोग इसको ले करके अपना चल रहे कमेटी के लोग कि भाई किसी तरह से रोजगार का सृजन हो, 2 पैसे लोग कमाएं। हमारा भी स्वार्थ है कि भाई कंपनी की तरफ से जो छोटा मोटा काम निकलेगा ठेकेदारी का, हम हराम का नहीं पैसा खोज रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का ही पैसा लेना चाह रहे हैं कंपनी से कि जो छोटा मोटा काम होगा वो हम लोग कर लिया करेंगे। ऐसा स्वार्थस नहीं है कि जब इसका ये कंपनी आज से 1.5 साल पहले जब टेंडर की थी और ये कंपनी चालू करने के लिए आप जद्दोजहद कर रही थी, उस वक्त अजमुल भाई कहाँ सोए हुए थे? आज भी यहाँ पर 3 कंपनी का टेंडर हुआ, 2-3 कंपनी और भी टेंडर ली हुई है और वो कंपनी चालू करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। क्यों नहीं अजमुल भाई उसको चालू करवा रहे? क्यों? क्योंकि वो बाग हमारे ऐसी जगह बैठा है जो उनके बाप हैं, उनके बाप के मुंह पर बैठा हुआ है। आप बोलते हैं कि हमारे सामने विधायक का, हमारे सामने विधायक क्या है? तुम विधायक के सामने झिंगुर और चिरकुटे रहोगे जिंदगी भर, तुम विधायक के सामने तुम्हारी औकात नहीं खड़ा होने का। तुम जो बोलते हो कि हम प्रखट अध्यक्ष हैं, हम विधायक से ज़्यादा पावर रखते हैं, अरे छोड़िए सत्ता में, आप सत्ता गलत उपयोग कर रहे हैं। आज जितना बड़ा JMM का ऑफिस खुलवाने का हम लोग काम किया, आप मीडिया उसका सबूत है। जितना बड़ा JMM का कार्यालय हम लोगों ने खुलवाया था, हाँ, उतना शायद ही कार्यालय कुछ ने बागमारा में खुलवाया होगा। रतिलाल टुडू और श्री रमेश टुडू जी को लेकर के, उन्होंने सरकार को लेकर के हम लोगों ने यहाँ जो खुलवाया, लेकिन सिर्फ अपना निजी स्वार्थ साधने के चक्कर में सारे लड़के टूट गए। उस वक्त हम लोगों ने 300 लड़का ज्वाइन करवाया था JMM में, लेकिन इन जैसे नेताओं ने अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए अपनी पार्टी को नहीं देख रहे हैं, ये अपना निजी हित देख रहे हैं। ये क्या बनेंगे? ये क्या विधायक और सांसद बनेंगे? ये तो अपना 2,000, 5,000, 10,000 बंधाने के लिए अपना है ना जमीन को गिरवी रख दिए हैं। जाइए छाताबाद, भटमुन्ना, खेलूडी, आकाश किनारी, आप भी रोजगार देने की बात कीजिएगा तो आपके साथ ही 50 लड़का खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी का वो आलम है कि इस क्षेत्र के अंदर 10,000 लोग बेरोजगार हैं, उसका ये लोग फायदा उठाते हैं। इनको किसी और ना रोजगार लगाना, ना काम लगाना, इनको सिर्फ अपना पैसा बनवाना है। कभी यहाँ पर कोई भी तरह का ना इशू पैदा किए, ना किसी तरह का अड़ंगा डाले। ये लोग बोलते हैं कि विधायक ये रोजगार बंद करवाते हैं, आज तो सामने खुल करके आ रहा है कि रोजगार बंद कराने वाले लोग कौन है।